भाजपा बनाओ बाकी पार्टीज नहीं है, मोदी बनाओ बाकी पार्टीज है। क्यों है आप लोगों को मोदी का इतना खौफ कि आप सब लोग एकजुट होकर उनको हराना चाहते हैं? हमको अपने प्रधानमंत्री से अगर शिकायत है तो वो हमें करनी चाहिए। जो भी कार्य करते हैं वो सब राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं, पर क्या राहुल गांधी खुद पीएम बनना चाहते हैं? इनके भविष्य का भी उद्भव हो जाएगा। और दूसरी बात ये सही सवाल ही पूछ रहे। मतलब सिर्फ इनका एजेंडा ये कि मोदी जी ये करते क्यों हैं? ये नहीं बता रहे कि चेहरा कौन है या ये क्या इनका क्या एजेंडा होगा, कौन इनके सामने आएगा मोदी जी के, वो कोई क्वेश्चन ये मुद्दा बिल्कुल देखिए आप चाहे जितनी हंसी उड़ाया जा रहा है, जानते हैं आप लोग महात्मा गांधी जी ने मुझे बोलने का अधिकार दे रहा हूं आपको सर, आप ही की बात कितनी बार हां आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है। आज की वीडियो में ऑडियंस ने अभय दुबे को अच्छी तरह से धो डाला। ये डिबेट थोड़ी पुरानी जरूर है लेकिन उस टाइम तो ऑडियंस ने इनको बता दिया कि आप लोग 24 में कितने भी बड़ा गठबंधन बना लो आएगी तो बीजेपी ही। वीडियो थोड़ी पुरानी जरूर है लेकिन आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा और आप वीडियो साथ साथ में बहुत फनी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट। लगता नहीं है कि राहुल गांधी की इमेज आपके खुद के नेताओं ने नॉन सीरियस बना दी है? देखिए मैं तो देश की जनता से पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी जी भट्टा परसोल से लड़ाई प्रारंभ करते हैं और 75 करोड़ किसानों को देश के उनके भूमि का अधिकार दिलाते हैं जिसको प्रधानमंत्री आती एक के बाद एक तीन अध्यादेश से समाप्त करना चाहते हैं, तो वो राहुल गांधी हिंदुस्तान के हित की बात करता है कि नहीं करता है? वो राहुल गांधी जो कहता है कि आदिवासी अधिनियम आदिवासियों को जंगल में आजीविका का अधिकार देकर 15 करोड़ आदिवासियों को हम उनका अधिकार देंगे। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे इतनी सारी हिट फिल्में देने के बाद भी आमिर खान की फिल्में फ्लॉप जा रही हैं, वैसे ही राजनीति में राहुल गांधी जी भी फ्लॉप हो रहे हैं, उनके ही आदमी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मतलब ये आपका कहना है कि राहुल गांधी और आमिर खान दोनों का वक्त चला गया है? हम तो लखनऊ के रहने वाले, वहाँ एक कहावत है, अमामिया वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाकते उड़ाया करते थे। देश की जनता बेवकूफ नहीं है, ठीक है? दूसरी बात, देश की जनता बेवकूफ नहीं है। नागरिक होने के नाते मैं ये तो समझ रही हूँ कि ये भाजपा बनाम बाकी पार्टीज नहीं है, ये मोदी बनाम बाकी पार्टीज है। क्यों है आप लोगों को मोदी का इतना खौफ कि आप सब लोग एकजुट होकर उनको हराना चाहते हैं? हमको अपने प्रधानमंत्री से अगर शिकायत है तो वो हमें करनी चाहिए। बात जो सिर्फ सत्ता के स्वार्थ की अभी की थी उस पर मैं छोटा सा प्रकाश डाल दूं। जहां जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते थे, जम्मू कश्मीर जाते थे, बोले बाप बेटी की सरकार है, इसने भ्रष्टाचार किया है, ये देश विरोधी है। जब सत्ता का समय आता है तो उसी के साथ 3 सालों तक सत्ता पीडीपी के साथ बनाते हैं। सवाल सुधांशु जी से है कि बीजेपी पर विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, तो क्या बीजेपी को अब धर्म की राजनीति का ट्रैक बदल के अब धर्म की राजनीति छोड़ देनी चाहिए? आप पे आरोप लगता है ये तो, क्या आप सांप्रदायिक है और आज से नहीं आदिकाल से लगा आ रहा है ये आरोप? तो जब आपको सही बात है, देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये सेकुलरिज्म है और विरोध करिए तो सांप्रदायिकता है। एक पार्टी है जिसका नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, मुसलमानों की एकता के लिए समर्पित पार्टी, वो सेकुलरिज्म का प्रतीक है। और यदि विरोध करे, अब मैं एक बात सिर्फ कह देना चाहता हूं, ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, 2014 से पहले भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था, क्योंकि भारत के संविधान में शरिया के प्रावधानों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी और यदि शरिया का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ आए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कुचलकर शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर रखा गया। मैं चुनौती से पूछता हूं, दुनिया किसी सेकुलर देश में ऐसा हुआ हो तो बताइए? सिर्फ मुस्लिम देशों में एक होता था। इसलिए हम देश को ट्रू सेकुलर देश बना रहे हैं और ये लोग उसको आंशिक मुस्लिम रखना। देखिए सवाल 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 सुधांशु जी, ये बताइए आपकी पार्टी एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देती, चाहे प्रदेश के अंदर हो गई चाहे केंद्र के अंदर हो गई? आज केंद्र के अंदर अगर आप सेकुलरिज्म को अगर बातें कहते हैं, बुरी भली बातें कहते हैं आप सेकुलरिज्म को, आज हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जिसके ऊपर ओथ ली जाती है वो भी सेकुलर है, तो आप उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? बहुत वाजिब सवाल किया है। अब मैं बताना चाहता हूँ, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन किसी गैर मुस्लिम को बनाया कभी कांग्रेस ने? हमने बनाया सरदार त्रिलोचन सिंह जी को। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के जमाने में कोई बुद्धिस्ट मंत्री था, कोई पारसी मंत्री था, कोई किसी जोरोस्ट्रियन को कुछ बनाया, किसी जैन को बनाया? किसी को नहीं बनाया। सुनिए, अगर वोट देने की स्थिति हो तो हम बताना चाहते हैं कॉमन सिविल कोड एक ही राज्य में है, वो है गोवा, जो हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, किसी को कोई समस्या नहीं। 40 में 18 क्रिश्चियन को टिकट दिए, मैं जवाब दे रहा हूं, 40 में 18 क्रिश्चियन को क्यों नहीं मिनोरिटी गिनेंगे? 18 क्रिश्चियन को आपके लिए मिनोरिटी सिर्फ एक ही है,
क्योंकि देश के युवा है, इस देश की धारा बदल रही है, और इस देश की धारा को अगर आपको नब्ज को पहचानना है तो पहचानने का सबसे बड़ा जरिया होता है इस देश का बॉक्स ऑफिस, इस देश का बॉलीवुड। आप देखिए बीते दिनों जितने फिल्में आई वो पिट गई, वो फ्लॉप हो गई, क्योंकि इस लड़की ने सही कहा, आमिर खान का दौर अब चला गया इस देश के अंदर। अब इस देश के अंदर एक ऐसा दौर है जिस दौर के अंदर आपको जो कहना है वो स्पष्ट रूप से कहना है, इसमें दो मुंही बात आप नहीं कर सकते। कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस ये नहीं तय कर पा रही कि उसका अध्यक्ष कौन होगा, उसका उसका चेहरा कौन होगा, कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है। अब अमित दुबे मैं आपको बताता हूं, आप खुद से मत बोलिए, सवाल सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल सुनिए जवाब दीजिए, इत्मीनान से 40 सेकंड में आपको इत्मीनान से देता हूं। मेरा 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 सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है आपसे। आपके सर बहुत बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी, उन्होंने बोला कि आपकी पार्टी में चपरासी फैसले लेते हैं, ओएसडी फैसले लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड फैसले लेते हैं, आपको भारत जोड़ो यात्रा तो छोड़िए, आपको कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपके नेता से नेता छूटते जा रहे हैं, क्यों? मनीष तिवारी कहते हैं कि अगर इलेक्शन, मैं इनसे एक बात कहना चाहती हूँ जो कांग्रेस के, मतलब जब से मैं, हाँ अभय दुबे जी, जब से मैं यहाँ पे बैठी हूँ इनको पूछा चेहरा कौन होगा आपका, ये मोदी की कि हमें शिकायत है कि मोदी जी सोते क्यों हैं, खाते क्यों, मतलब सिर्फ इनका एजेंडा ये है कि मोदी जी ये करते क्यों हैं, ये नहीं बता रहे कि चेहरा कौन है या ये क्या इनका क्या एजेंडा होगा, कौन इनके सामने आएगा मोदी जी के, वो कोई क्वेश्चन ये मुद्दा बता ही नहीं रहे कि तो मोदी अब मोदी के इर्द गिर्द उनकी निंदा निंदा चुगली निंदा में ही लगे रहते हैं, इसके अलावा कोई कहानी नहीं है। आगे 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 एक और सवाल, जी 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 जी, अब एक सवाल 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 पॉइंट सुनिए, कांग्रेस के जो भी नेता है और जो उसके जो भी कार्यकर्ता है वो सब राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं, पर क्या राहुल गांधी खुद पीएम बनना चाहते हैं? जिस दिन हमारी ये बिटिया राजनीतिक दलों की नीतियों का प्रश्न करने लगेगी ना, उस दिन इनके भविष्य का भी उद्भव हो जाएगा। और दूसरी बिटिया ने ये सही सवाल नहीं पूछ रहे, मेरी वो उसका मैं अपना दृष्टिकोण बता रहा हूँ, आगे जाकर इस बात का आभास होगा, नीतियों पर पूछे। राहुल गांधी के बारे में बता देता हूँ, जो व्यक्तिगत क्षमता में जानता हूँ राहुल गांधी जी सामूहिक व्यक्तिवादी नेतृत्व के वो बहुत खिलाफ हैं, वो कहते हैं कि नेतृत्व सामूहिक होना चाहिए, जब भी एक व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व होगा वो निरंकुश होगा, इसीलिए हमारा प्रजातंत्र ये निर्धारित किया गया है। और जब बिटिया तुम नीतियों का प्रश्न करोगी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से, तब तुम इस चेहरे को भूल जाना और पूछना कि जो युवाओं के लिए नीति निर्धारित की थी प्रधानमंत्री जी, उस पर आप कितना खरा उतरे। क्या प्रधानमंत्री जी आपने वादा नहीं किया था कि मोदी जी आने वाले महंगाई घटाने वाले? क्या रुकिए यहीं पर, क्योंकि आपने बोला राहुल, जब कैबिनेट का फैसला फाड़ा था, जब ऑर्डिनेंस फाड़ा था तो निरंकुश थे या अंकुश थे? कैबिनेट का फैसला फाड़ा था राहुल गांधी ने, वो कैबिनेट जिसमें प्रधानमंत्री, देश के कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं, और राहुल गांधी क्या थे? मात्र सांसद, जो सुधांशु त्रिवेदी है। क्या सुधांशु त्रिवेदी की हिम्मत है वो कैबिनेट का डिसीजन फाड़ सके? मैं पूछता हूं, एक सेकंड, एक सेकंड, फाड़ा था, क्या हिम्मत है आप में, आपके कैबिनेट का डिसीजन फाड़ने की? नहीं नहीं नहीं, अरे वो तो देखिए इतनी सामूहिकता में विश्वास करते हैं कि 3.5 साल हो गए अभी समूह में अध्यक्ष ढूंढा ही जा रहा है, इतनी सामूहिकता है जिसका कोई कल्पना नहीं की जा सकती। जी, जी, और जो किया था, मैं एक बात कहना चाहूं, देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया, मगर मैं ये कहना चाहूंगा उनके साथ जो हरकत की वो पूरी डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेट्रीमेंटल थी, जो राहुल गांधी जी ने, जबकि वो एक फोन छोड़िए, वो एक इशारा कर देते मनमोहन सिंह जी को तो वो कैबिनेट और विड्रॉ हो जाता। इसका मतलब आपका उद्देश्य सिर्फ अपमान करना था उस समय के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ये आपकी विकेट गिरा रहे हैं। दिल्ली आए आप साफ हो गए, पंजाब गए आप साफ हो गए, क्या आपको लगता नहीं है कि अब ये जिस तरह से अपने आप को पिच कर रहे हैं ये आपके लिए चिंता की बात है, या फिर 2024 में आप अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़े होने को तैयार हैं जैसे आप दिल्ली में खड़े हुए थे 2013 के अंदर? समूचे देश की जनता के पीछे खड़े होने को हम तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल का सवाल पूछा, सुन लीजिए ना, एक गंभीर आरोप आपने लगाया राहुल गांधी जी पर, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। देश के युवाओं को जानना चाहिए उन्होंने किससे यह आचरण लिया, महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो कानून तुम्हारे, अब आप मेरे को बोलने ही नहीं देंगे, आरोप लगाया आप बोल दीजिए, किस आरोप की बात कर रहे हैं? अध्यादेश फाड़ने की जो बात आप क्या कह रहे हैं राहुल गांधी पर, सुनिए, महात्मा गांधी से सीखा था उन्होंने, ये गंभीर आचरण था, बताइए खैर जवाब दीजिए, आप सुन तो लीजिए, आपने क्या बोल दिया, आपने बोल दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार अंग्रेजों की सरकार थी क्या? आप जितना चाहे जितना चाहे डिफेम करिए, मैं आजादी कर रहा हूँ, वो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, लोगों को जानना चाहिए।
महात्मा गांधी ने कहा कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता तुम्हारा नैतिक दायित्व है कि उसे फाड़ कर फेंक दो। वो राहुल गांधी ने किया। क्या अध्यादेश था? मनमोहन सिंह की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, 2001 में ये भी लेकर आए थे वही कानून, मेरे पास प्रमाण है उसके। लेकिन राहुल गांधी जी ने फाड़ कर वो अध्यादेश फेंका कि सजा याफ्ता आदमी को चुनाव की राजनीति में रहने का अधिकार। अब गठबंधन कर रही है उसी के साथ। सुन लीजिए अब एक बार, दूसरी बात, बड़ी बड़ी ईमानदारी की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के दो मतलब एक, 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 बेरोजगारी और महंगाई और दो घर के भाई। एक सेकंड, दोबारा बोलिए इस बात को। आपने बोला कि ये जो अध्यादेश राहुल गांधी जी ने फाड़ा था इन्होंने महात्मा गांधी से सीखा, यही कहा ना आपने? महात्मा बिल्कुल। देखिए आप चाहे जितनी हंसी उड़ा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ धन्ना सेठों के लिए, सुनिए ना मेरी बात, धन्ना सेठों को, सारी भारतीय जनता पार्टी, नहीं को, महात्मा गांधी ने सिखाया राहुल जी को। महात्मा गांधी ने कब अध्यादेश फाड़ा? महात्मा गांधी ने, आप जाइएगा अगर वे भी साबरमती जाएंगे ना, जिसको नरेंद्र मोदी जी छद्म रूप से करोड़ों रुपए लगाकर, राहुल गांधी जी और महात्मा जाइए, वहाँ पर एक तख्ती लगी हुई है, जब द्वार पर जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता। महात्मा गांधी जी ने सिखाया राहुल जी को अध्यादेश फाड़ने के लिए। अब सुनिए दूसरी बड़ी बात, क्या छुपाया जा रहा है जानते हैं लोगों? महात्मा गांधी जी ने मुझे बोलने का अधिकार दे रहा हूं आपको सर, आप ही की बात कितनी बार। हाँ 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 अमीश देव।